क्योंकि इस वक्त तो मुझे सिर्फ और सिर्फ शानी की बहन दिखाई दे रही है। मेरे भाई को तो आज छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमसे बता दिया ना आपको आगे फौरन फोर कहीं का। अच्छा पागल है ना सलमा, जो तुम पे बिला वजह गुस्सा कर हरकतों की वजह से ना मुझे बहुत शर्मिंदगी होने लगी। ना शर्म हो यार, लगता बिल्कुल खत्म हो गए रह गई। और ये कभी नए लेकर आई थी, अभी से तुमने पहन लिया, फिर कहीं आना जाना। आफतनामे की आने वाली एक साथ में अब हम लोग देखेंगे कि अब महमूद और महक ने की पूरी प्लानिंग के साथ ऋषा को उसके घर भेजा। अब जब उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने वलीशा का इस्तेमाल किया ताकि वो वलीशा की प्रॉपर्टी पर ऐश कर सकें। वलीशा भी इनकी बातों में आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वलीशा के सामने महमूद और रमशा के असल चेहरे सामने आ जाएंगे, जिसके बाद उसे एहसास हो जाएगा कि कौन उसके साथ मुखलिस है। और उसके दादा दादी तो उससे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं कि उनकी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। और महमूद और महक जो सिर्फ और सिर्फ लालच की खातिर ही वलीशा से मोहब्बत करते हैं, तब वलीशा इन लोगों को छोड़ देगी। आप सबको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।